बाबा साहेब की 127वीं जयंती शहर में जोर शोर से मनाई गई। बसपा, कांग्रेस, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों के बीच बाबा साहेब को अपना बनाने की लगी होड़। हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष उनकी 127वीं जयंती मनाई गई। देश भर में इन दिनों बाबा साहेब को मानने वालों की तादाद कुछ बढ़ गई है। ये चुनावी वर्ष है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। हम आपको बता दें, पूरे देश में दलित समुदाय के लोग लोकसभा की 131 सीटों पर सीधे असर डालते हैं, जिसका सीधा फायदा पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार इस साल के अंत में कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव व अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बाबा साहेब की सभी को याद आ रही है। संविधान निर्माता, जिसने इस देश में रहने, खाने, पीने, सामाजिक, आर्थिक एक तरह की व्यवस्था का निर्माण किया था, क्या उसने कभी सोचा होगा सबको एक समान अधिकार, सबके लिए एक व्यवस्था का, उन्हीं का बनाया नियम आज खुद ही उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाएगा। आज जहां बहुजन समाज पार्टी ने एसएफ मैदान में अपने बैनर तले दलित समुदाय को एकत्र कर बाबा साहेब को याद किया, तो वहीं कांग्रेस ने अमहिया और कांग्रेस भवन में बाबा साहेब की याद में कार्यक्रम किया। आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रमणि शुक्ला जी के मामलों में 2% लोगों को सजा होती है, 98% बरी हो जाते हैं, क्या वो दुरुपयोग नहीं था? बलात्कार के मामलों में 10% लोग को कन्विक्शन होता है, 90% छूट जाते हैं, क्या वो दुरुपयोग नहीं था? दुरुपयोग सिर्फ SC ST के लिए था? तो ये दुरुपयोग का पैमाना प्रमाण और आंकड़ों के साथ जो केंद्र सरकार को रखना चाहिए था वो इन्होंने बदमाशी करके नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ दुरुपयोग हो रहा है। आप कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, बदलाव नहीं, आमूलचूल बदलाव कर दिया। पहले FIR दर्ज होती थी, फिर जांच होती थी, अब जांच होगी इसके बाद FIR दर्ज होगी। तो उनका जो सेफ्टी नेट था, आज भी हालत यह है, गुजरात की घटना अभी आपने देखी है कि घोड़ी तो घोड़ी आदमी भी मार डाला। कोर्ट जब आदेश देता है तो बड़े बड़े बाहुबली लोगों के घरों के सामने से बारात निकालते। इस बात को, यही बात बाबा साहब ने तब कही थी जो विधि मंत्री बनने के बाद पहले साक्षात्कार में कही थी कि अगर संविधान अच्छे हाथों में रहा तो ये सबसे अच्छा, और बुरे हाथों में गया तो सबसे बुरा। अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, लोगों की है। ये पार्टी गरीब और मजलूमों की आवाज बनने के लिए बनी, और अगर आप इसके साथ न्याय कर पाए तो आप अपने साथ, अपने देश के साथ न्याय कर पाएंगे और विरोध में, संघर्ष में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आज आवश्यकता है जो आपने कहा, हमारे बीच में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रवीश कुमार को सिर्फ इसलिए बैन करने का प्रयास किया जाएगा कि वो सरकार के कमियों के बारे में ईमानदारी से बात क्यों करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को याद करने के लिए अंबेडकर पार्क को चुना। यहां पर सांसद जनार्दन मिश्र के साथ शहर की प्रथम महिला भी उपस्थित रहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत रत्न अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न अमर रहे, अमर रहे। आज भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार से उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और पूरे भारतवासियों को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखा। प्रशासन को अंदेशा था बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता 13 जिलों से बुला रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ऐन वक्त में रैली का कार्यक्रम रद्द करवा सभा स्थल शहर के बाहर करवा दिया था। देश की 80 के लोग जो 2 तारीख को देश में हलचल मच गया है, ये बहुत बड़ी इतिहास गवाह है, साक्षी है कि आने वाला समय हमारा है। देश में खलबली मच गया है, देश में एक तरफ आरक्षित वर्ग, दूसरे तरफ गैर
का भिस्सा है मित्रों, आने वाला समय हमारा होगा।